नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। जो आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले में सीसीटीवी फुटेज में एक होटल में मारपीट का मामला सामने आया है। जो आप लोगों को बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में मारपीट का मामला जो शामिल हुआ है वो कहां का है। बताना चाहूंगा कि रविवार को रात करीब 11 बजे, 21 नवंबर को रात को 11 बजे एक मारपीट का मामला सामने आया है, जो एक होटल में मदिरा सेवन के लिए पैसे की डिमांड की जा रही थी, जहां ना देने पर यह पूरा मामला सामने आया कि उनको मारपीट कर हॉस्पिटल में बैठा दिया गया। जहां आप लोगों को बता दूं कि इसमें व्यापारी संघ ने भी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम आखिर में अपना धंधा व्यापार कैसे करेंगे। जहां उन्होंने इस पर कोतवाली से पूरी मांग की है अपनी व्यवस्था के लिए कि कम हम सुरक्षित रहें, और उन पर कहीं ना कहीं FIR दर्ज करवाया है। पूरा मामला बताना चाहूंगा आपको। बता दूं, जानकारी के अनुसार स्टेडियम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित राजस्थान स्वीट्स के मालिक सवाई सिंह पिता हरी सिंह बम्बोर द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है कि रविवार 21 नवंबर की रात करीब 11 बजे जब वो अपने प्रतिष्ठान राजस्थान स्वीट्स की सफाई कराकर अपने सहकर्मियों के साथ घर उत्तर करौंदिया नवी नेटवर्क की ओर जा रहे थे, इसी दौरान छत्रसाल स्टेडियम पर एक्सक्यूवी जीप पर सवार 5 व्यक्तियों द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करते हुए मदिरा सेवन के लिए 500 रुपए की मांग की गई। उनके द्वारा मना करने पर आरोपियों द्वारा संयुक्त रूप से लाठी डंडा लात घूसों से होटल संचालक को जमकर मारपीट कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जहां इन धाराओं को तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। जहां आपको बता दूं, सिटी कोतवाली में होटल संचालक सवाई सिंह पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अभिषेक सिंह चंदेल, बाहरी सीधी, राज सिंह, विजय फिलिंग स्टेशन सीधी एवं 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 341, 294, 323, 327, 506 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जहां आप लोगों को बता दूं कि पुलिस अधीक्षक सीधी जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी कोतवाली पुलिस की अपनी मौज मस्ती और लापरवाही के कारण नशे की गिरफ्त में समाय युवाओं द्वारा आए दिन शहर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बीते पखवाड़े सोनालचल बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र के द्वार पर ही पिता द्वारा अपने बेटे को शराब के नशे में मर्डर कर दिया गया, जहां आप लोगों ने खुद ही देखा था, जो उदाहरण है सामने। अपराधियों द्वारा पुलिस की ढीली पड़ती पकड़ से चलते इन दिनों जिलों में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति विश्वास आमजनों में कमी दर्ज कराई जा रही है, और कहीं ना कहीं जिले में बढ़ते अपराधों के ग्राफ के चलते लोगों में भय का माहौल भी निर्मित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर एक्शन होता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि सीधी जिले में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर पुलिस भी गौर नहीं कर पा रही कि आखिर में ये वजह क्या है। अगर वो वजह पकड़ पाए तो ऐसा मामला ही सामने ना आए। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे, आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।